मंत्री सोमनाथ भारती को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, लेकिन अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जेल में बंद सुल्तानपुर की अदालत ने विधायक की जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन अभी उन्हें जेल में रहना होगा क्योंकि रायबरेली में दर्ज दूसरे मामले में सुनवाई की तारीख 16 जनवरी तय की गई है। हालांकि कोर्ट से बाहर आते वक्त सोमनाथ भारती काफी प्रसन्न दिखे, उन्होंने अपने हाथों को उठाकर विक्टरी का साइन भी दिखाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की जनता की सेवा में मेरी जीत है। बताते चले कि सुल्तानपुर जेल से विधायक को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने रायबरेली जिले में दर्ज मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख तय की, साथ ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिर से सुल्तानपुर जेल भेजा है। वहीं यहां कोर्ट से बाहर निकलते हुए विधायक ने अपनी दो उंगलियां उठाकर जीत सुनिश्चित होने का दावा भी किया है। यहां यह भी बता दें कि विधायक के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि आज कोर्ट के जज पीके जयंत ने 30,000 के मुचलके पर सशर्त जमानत दी है। साथ ही गवाहों को ना डराने, धमकाने, आरोप पत्र आने के बाद ट्रायल के दौरान प्रत्येक पेशी पर मौजूद रहने व अन्य शर्तों के साथ जमानत मंजूर की गई है। गौरतलब है कि बीते शनिवार को विधायक सोमनाथ भारती ने अमेठी में कहा था कि हम स्कूलों और अस्पतालों को देख रहे हैं, अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं। उनके इस बयान पर हरपालपुर गांव निवासी शोभनाथ भारती ने विधायक के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस प्रकरण में अमेठी पुलिस ने सोमनाथ को रायबरेली गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया था। चूंकि अमेठी में अभी जेल नहीं बनी है, इसलिए उन्हें कोर्ट के आदेश पर सुल्तानपुर की जेल भेज दिया गया था। रायबरेली में सोमवार को विधायक सोमनाथ भारती पर हिंदू युवा वाहिनी के एक कार्यकर्ता ने स्याही से हमला किया था। इस दौरान विधायक ने पुलिस के साथ अभद्रता भी की थी, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विवादित टिप्पणी की थी। पुलिस ने विधायक और उनके 15-20 समर्थकों के विरुद्ध कोतवाल अतुल सिंह की शिकायत पर सोमवार को ही मुकदमा दर्ज किया था। बताते चले कि उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर जेल में बंद आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी उन्हें जेल में रहना होगा। यहां यह भी बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को लेकर दिल्ली की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को अहम आदेश भी दे रखे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को 18 जनवरी को विधायक को कोर्ट में पेश करना है। बता दें कि ये पेशी वर्ष 2016 में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुरक्षा गार्ड के साथ दुर्व्यवहार के मामले से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में दिए गए विवादित बयान के बाद गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को बृहस्पतिवार को भी जमानत नहीं मिल सकी थी। गौरतलब है कि विवादित बयान को लेकर दर्ज मुकदमे के बाद अमेठी पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दो दिन बाद 13 जनवरी की तिथि नियत करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.